हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अमेज़न कुर्ता, और सारे ही कॉटन के हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के हैं, लाइक 280 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के अंदर ही हैं, और प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट जिस प्राइस में मुझे मिली उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, मे भी मुझसे ज़्यादा में भी मिले, मे भी मुझसे कम में भी मिल सकती है, तो प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट मैंने जितने भी लिए हैं वो 520 या 30 रुपीज़ तक के ही लिए हैं, सारे ही उसके अंदर हैं। और ये कुर्ता शेयर करने का मेन रीज़न यही है कि आप इसको घर में वेयर कर सकते हो इजीली, कंफर्टेबल है, कॉटन के हैं। तो बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ममाअर्थ के फेस सीरम। मेरे पास टोटल 3 फेस सीरम है, तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप के लिए। आपकी स्किन को कौन सी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको परचेस कर सकते हो। सो ये है ममाअर्थ के टॉप 3 फेस सीरम। इसमें आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप किसी भी फेस सीरम को चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है मेरे पास ममाअर्थ के स्किन प्लम फेस सीरम विथ हेलुरोनिक एसिड एंड रोज हिप ऑयल फॉर एजलेस स्किन। सेकेंड है मेरे पास ममाअर्थ स्किन करेक्ट फेस सीरम विथ नियासिनेमाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट्स फॉर एक्ने मास्क एंड स्कार्स। एंड थर्ड है मेरे पास ममाअर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर रेडिएंट स्किन। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ माय फेवरेट ममाअर्थ के स्किन प्लम फेस सीरम विथ हेलुरोनिक एसिड एंड रोज हिप ऑयल। और इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है और ये मुझे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। सो ये ममाअर्थ की फेस सीरम है, और ममाअर्थ की फेस सीरम मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है, मतलब ममाअर्थ की प्रोडक्ट मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है, और इसलिए मैं इंडियन ब्रांड को यूज़ भी करती हूँ। ममाअर्थ की फेस सीरम मुझे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैं ममाअर्थ के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हम सभी को अभी मिल करके सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड ही यूज़ करने हैं। एज ए इंडियन भी हमें ये रूल फॉलो करना है, हैशटैग वोकल फॉर लोकल ब्रांड। तो जो भी लोकल ब्रांड है आपको वही यूज़ करना चाहिए, उनमें से एक ममाअर्थ है जो कि बेस्ट ब्रांड है, बिकॉज ये क्रुएल्टी फ्री है एंड पेटा सर्टिफाइड है, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वह 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए मुझे ममाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है, अंदर आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग मिलती है, आप देख सकते हो इस तरह से पंप वाली पैकेजिंग है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, और आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो और अपने बैग में कैरी कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो तो पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस तरह की बॉटल है ये। और तो ये है ममाअर्थ के स्किन प्लम फेस सीरम विथ हेलुरोनिक एसिड एंड रोज हिप ऑयल फॉर एजलेस स्किन। तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, और इस सीरम में हेलुरोनिक एसिड होने के कारण ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। सो इसके रेगुलर यूज से आपके स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड रेडियंट होती जाएगी। हेलुरोनिक एसिड आपके रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड आपके स्किन के इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। एंड साथ ही में इसमें रोज हिप ऑयल है जो आपके एक्ने स्कार एंड मास्क को भी रिमूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। रोज हिप ऑयल में विटामिन ए, विटामिन सी एंड एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जिसके रेगुलर यूज से आपके एक्ने स्कार्स एंड मास्क रिड्यूस होने लगते हैं। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग सीरम है जो आपके फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, आपके ओपन पोर्स को रिफाइन करता है, एक्ने स्कार्स एंड मास्क को रिमूव करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट एंड प्लम्प रखता है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए। सो आपके स्किन किसी भी टाइप की हो आप इस सीरम को यूज कर सकते हो। ऑल्सो ममाअर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजन, नायका एंड ममाअर्थ की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, बट यदि आप ममाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ये कूपन कोड, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। सो गाइस, कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको ममाअर्थ के फेस सीरम और ममाअर्थ के प्रोडक्ट जरूर ट्राई करने चाहिए, बिकॉज ये इंडियन ब्रांड है और हमें इंडियन ब्रांड ही यूज़ करने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुर्ता हॉल को, और सबसे पहले जो मैं आपको कुर्ता दिखाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, कॉटन की है, 350 रुपीज़ के आसपास में है, एंड ये है ब्रांड अहिका से। फर्स्ट टाइम मंगाया है मैंने, पर ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और ये फुल्ली कॉटन की है, बट एकदम स्मूथ वाली कॉटन नहीं है, थोड़ी जो मोटी वाली कॉटन होती है ना उस कॉटन में है। और ये इसलिए भी अच्छे हैं ना कि बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सिकुड़ जाते हैं या फिर लाइट हो जाते हैं, वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रहते हैं। आप चाहो तो रिवाइव वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की है ये, मरून एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो मरून कलर में इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं। इसकी नेक की डिज़ाइन काफ़ी डिसेंट है, लाइक राउंड नेक में थोड़ी सी वी कट है, तो बहुत ही डिसेंट लगती है। इसे आप ब्लैक कलर की या फिर सेम कलर की प्लाजो के साथ पहन लो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। एंड इस तरह से आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, फुल स्लीव्स, पूरी स्ट्रेट कुर्ता है ये, ये आप देख सकते हो पूरी स्ट्रेट कुर्ता है, काफ़ी अच्छी साइज़ है, काफ़ी अच्छी फिटिंग है, तो मुझे इसकी ना स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो घर पर पहनने के लिए काफ़ी अच्छी कुर्ता है ये। नेक्स्ट जो मेरे पास कुर्ता है गाइज, वो भी एक कॉटन की कुर्ता है, और
ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और प्राइस भी इसकी आई थिंक 500 के अंदर ही है। मुझे प्राइसेस याद नहीं रहते इसलिए मैं आपको प्राइसेस नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मैं आई दिनों सिर्फ रिव्यूज़ करते रहती हूँ, मेरा ये काम है, और मैं स्क्रीन पे प्राइसेस मेंशन कर दूँगी। तो इस तरह की ये ना ए लाइन कुर्ता है, आप देख सकते हो पूरी ए लाइन कुर्ता है, जिसको कि आप ड्रेस के जैसे भी पहन सकते हो बेल्ट के साथ। यहाँ आपको कुछ इस तरह की स्लीव्स मिलेंगी और जो पूरी कुर्ता है कुछ इस तरह की है। फ्रंट में आपको कुछ इस तरह की बटन की डिज़ाइन मिलेगी, डिसेंट से इसमें भी आपको राउंड नेक मिल जाएगी एंड नीचे के साइड में कुछ इस तरह की प्रिंट मिलेगी। पूरे ये लॉन्ग ए लाइन कुर्ता है और ब्लू एंड वाइट की इंडिगो प्रिंट है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, घर पे पहनने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आप यदि घर पे पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इस कुर्ता को ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरे पास है गाइज, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल कुर्ता है, ये मैक्स की है, 499 प्राइस है, पर आई थिंक ये 450 या फिर 399 रुपीज़ में मिली थी। ये ऑरेंज एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है, अगेन ये ऑफिस वेयर के लिए या फिर घर पे पहनने के लिए भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ये फुल्ली कॉटन की है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। इस तरह की आपको नेक मिलेगी और इस तरह से आपको यहाँ पर बटन की डिज़ाइनिंग मिलेगी, जो बहुत ही स्मार्ट लुक देती है। इसके जो स्लीव्स है वो डिफरेंट प्रिंट में है और ये जो कुर्ता का बीच का पार्ट है वो डिफरेंट प्रिंट में है, ये आप देख सकते हो। एंड स्लीव्स में भी ना कुछ इस तरह की डबल लेयर दी गई है, साथ में ये बटन दिए गए हैं, तो छोटी छोटी डिटेलिंग दी गई है जिससे ये कुर्ता काफी स्टाइलिश लगता है। तो फ्रंट से कुछ इस तरह की प्रिंट है, पूरी ये स्ट्रेट कुर्ता है एंड बैक में आप देखोगे तो बैक में वही प्रिंट है जो आपको स्लीव्स में मिलते हैं। और क्वालिटी मैंने आपको बताया, मैक्स की कुर्ता की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, फुल्ली कॉटन की है। नेक्स्ट जो कुर्ता है गाइज, वो भी एक ए लाइन कुर्ता है एंड ये भी कॉटन में, मतलब मैं सारे कॉटन में लेकर के आई हूँ, बिकॉज ये घर पे पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड ये वाले कुर्ता के बारे में आप सोच रहे हो तो ये आपको मेरे लास्ट अमेजन हॉल में मिल जाएगी, ये डब्लू की कुर्ता है। तो कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे से कलर में, बिल्कुल कलरफुल है, वाइट में ब्लू ग्रीन येलो सारे कलर के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, तो काफ़ी कलरफुल है और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन की है ये भी। और इसमें आपको कुछ इस तरह के स्लीव्स मिल जाएंगे, इसको आप ना ब्लू कलर की प्लाजो या फिर लेगिंग्स के साथ पहन सकते हो और एज ए ड्रेस भी पहन सकते हो। तो ये नी के नीचे तक आती है, तो ए लाइन ड्रेस की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह की आपको नेक में डिज़ाइन मिलेगी, काफ़ी अच्छी सी खूबसूरत सी पाइपिंग दी गई है एंड इस तरह की बटन्स भी लगाए हुए हैं। और उसके बाद इस पूरे कुर्ता में आपको कुछ इस तरह की फ्लावर प्रिंट मिलेगी आगे पीछे दोनों ही साइड में एंड नीचे में आपको कुछ इस तरह की बॉर्डर मिलेगी। तो काफ़ी खूबसूरत सी डिसेंट सी कुर्ता है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता है गाइज, अभी मैंने अमेजन के कुछ ब्रांड ट्राई किए हैं, यह है तवश्या ब्रांड की और ये कुछ इस तरह की है। इसमें 3 कलर अवेलेबल हैं, येलो रेड और पता नहीं और एक कोई कलर है, लेकिन येलो वाली भी काफ़ी अच्छी थी बट मुझे लगा कि ये वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी तो मैंने इसको लिया है। ग्रीन कलर के लेगिंग्स के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसकी जो नेक की डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह की है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की थ्रेड वर्क की हुई है एंड साथ ही में ये डोरी दी गई है जिसमें इस तरह से ग्रीन कलर के टेसल लगाए हुए हैं एंड साथ ही में ये मिरर वर्क भी है, लेकिन ये एक्चुअल मिरर नहीं है, जो प्लास्टिक वाली मिरर होती है ना वो है। एंड इस तरह की यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है, बटन्स लगाए हुए हैं पूरे आप देख सकते हो और ये मिरर वाली डिज़ाइन दी गई है, पूरी कॉटन की है और आप देख सकते हो इस तरह की प्रिंटिंग है इसमें, मतलब प्रिंटेड क्लोथ ही है, बहुत खूबसूरत सी ऑरेंज एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है। रेड में बहुत अच्छे से ऑरेंज कलर की जो फ्लावर्स की डिज़ाइन बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एंड साथ ही में ये स्लीवलेस कुर्ता है, आपको अलग से स्लीव्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं और ये भी आपके नी के नीचे तक आएगी, इसके साथ लेगिंग्स पहन सकते हो, बहुत ही स्मार्ट लुक मिलेगा आपको और येलो कलर भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता सेम ब्रांड से है गाइज, वो थोड़े मैंने इस पर डिफरेंट ट्राई किया है, लाइक अभी प्रिंट ना प्रिंट विथ जीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिंटेड कुर्ता विथ जीन्स, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे कुर्ता लेती हूँ जो जीन्स के साथ यूज़ किया जा सके, तो इसको आप जीन्स के साथ पहन सकते हो। ये भी है ब्रांड तवश्या से, कुछ इस तरह की है एंड इसमें आपको कुछ इस तरह की फुल स्लीव्स मिल जाएंगे और ये शर्ट वाली जैसी डिज़ाइन होती है ना उस तरह के स्लीव्स हैं, यहाँ पर बटन दिए हुए हैं आप देख सकते हो, फुल स्लीव्स हैं एंड ये पूरे यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की लाइक कटिंग दी हुई है, तो जीन्स के साथ काफ़ी अच्छी रहेगी। फ्रंट में भी कट है एंड ये साइड में भी कट है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप इसको जीन्स के साथ पहन सकते हो, आप चाहो तो इसको लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हो। इसमें से कोई भी कलर की लेगिंग्स आपके पास हो, लाइक ऑरेंज या फिर रेड या फिर स्काई ब्लू कलर, कोई भी कलर की लेगिंग्स के साथ आप इसको पहन सकते हो, तो काफ़ी खूबसूरत सी प्रिंट है।
एंड जो लास्ट है गाइज वो है ब्रांड MD से, और ये कुर्ता देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें एक पर्पल कलर भी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बट कुर्ता अच्छी है देखने में, नॉर्मल कुर्ता है, प्राइस भी आई थिंक 399 के आसपास है, लेकिन इसकी जो क्लोथ है ना वो थोड़ी सी मोटी है, आप देख सकते हो जो थोड़ी जूट वाली कॉटन होती है ना उस तरह की थोड़ी मोटी है। अदरवाइज़ ये कुर्ता भी काफ़ी अच्छी है, नेक में आपको कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल जाएगी एंड पूरी ये स्ट्रेट कुर्ता है जिसको आप लेगिंग्स या प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की आपको राउंड नेक मिलेगी, यहाँ पर स्लीव्स मिल जाएंगे आपको 3/4, और पीछे से ये पूरी प्लेन है। तो इस तरह की है ये कुर्ता, कलर भी है जो बहुत ही प्यारी है, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसके जो क्लोथ है वो थोड़ी सी मोटी है, मतलब बिल्कुल फाइन क्वालिटी की कॉटन नहीं है। ये आज की अमेज़न कुर्ता हॉल सारे ही बहुत ही अफोर्डेबल है, और घर पे पहनने के लिए या फिर कहीं मार्केट वार्केट जा रहे हो तो उसके लिए काफ़ी अफोर्डेबल भी है, कम्फर्टेबल भी है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।